सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर परीक्षा पास कराने वाले सॉल्वर गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने एसओजी की मदद से पकड़ लिया है। पूछताछ में पुलिस भर्ती परीक्षा पास कराने वालों ने सॉल्वर गैंग के बारे में बड़ा खुलासा किया। गैंग के सरगना समेत 4 अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। शनिवार देर शाम इंस्पेक्टर टूंडला बीडी पांडे ने एसओजी प्रभारी परविंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर सुमित बिहार कॉलोनी में एटा रोड से सॉल्वर गैंग को पकड़ा। सोमवार को घटना का अनावरण करते हुए एसपीसीडी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एटा रोड स्थित एक फ्लैट में कुछ युवक परीक्षा पास कराने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद जनपद में एसओजी प्रभारी और थाना टुंडला प्रभारी निरीक्षक की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें 4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनमें 3 ऑलरेडी उसमें जो है पुलिस की नौकरी पा चुके हैं, रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं, और एक स्टूडियो वाले हैं जो खूब प्रति दस्तावेज तैयार करते थे, फोटो मिला करके उसको सुधर करते थे। इस पूरे गैंग में जो सरगना यहाँ का है और अन्य उसके 3 साथी हैं वो फरार हैं, वो भी हमारे हाथों नहीं चढ़े हैं। बातचीत से जो पता चला है इसमें, ये लोग कई तरह से काम करते थे, एसएससी में फॉर्म एक साथ जमा करते थे, लास्ट में इन्होंने बताया है उसे सीरियल नंबर एक साथ पड़ जाता था, तो उसमें एक सॉल्वर बैठ जाता था और एक कैंडिडेट बैठता था, फिर कॉपी चेंज कर लेते थे और वो पास हो जाता था। दूसरा तरीका था केवल उसकी जगह कैंडिडेट की जगह सॉल्वर ही बैठता था। तीसरे तरीके में इन्होंने बताया कि ब्लूटूथ के माध्यम से कान में ब्लूटूथ और डिवाइस लगाते थे यहाँ पे सीने के ऊपर ताबीज बना करके, और उसके तहत भी ये लोग काम करते थे, स्पीकर होता था उसमें मोबाइल छिपा के ले आते थे। चौथा तरीका इन्होंने बताया है इनके अनुसार कि फॉर्म जो आंसर शीट होती है उसको ये लोग खाली छोड़ देते थे और बाद में उसको किसी माध्यम से उसको फिल करा देते थे और वो पास हो जाते थे। तो इस तरह से इसमें इन लोगों ने बताया कि 7 से 8 लाख रुपया हम लोग खर्च करते थे, एडवांस में 50,000 रुपया तक दे देते हैं, फिर अगले चरण में कुछ पैसा देते हैं, फाइनली मेडिकल जब आने के बाद ज्वाइन करने के बाद मेडिकल की जब बात आएगी तब पूरा पैसा उनको देते थे। इन्होंने भी बताया कि पैसा देना हमारी मजबूरी थी, अगर नहीं देंगे तो फिर वो हमारा एप्लीकेशन देकर हमारी नौकरी हटवा लेते, तो पैसा इनको देना ही देना था। ये इनकी जो डायरी हमारे पास मिली है, फिर सारे एग्जाम के उसमें कुछ नाम आए हुए हैं, उसके हम लोग तस्दीक करेंगे और संबंधित से पत्राचार भी करेंगे कि इन लोगों के बारे में छानबीन। हाँ, 3 लोगों ने पूरी परीक्षा पास की है, बाकी का नाम ही है उसमें, बाकी का नाम ही है, वो तो हम लोग अब तस्दीक करेंगे उसमें, और अगर पास हुए होंगे तो जिन परीक्षाओं में है संबंधित में हम लोग पत्राचार करेंगे कि ये नाम इस डायरी में मिले हुए हैं, इनके बारे में छानबीन कर लीजिए, अगर वो अगर इसी पद्धति से पास किए होंगे तो उसका परीक्षण करने का तरीका है। सबसे बड़ी खासियत है इसमें कि इन लोगों ने ये बताया कि बायोमेट्रिक में अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है तो भी जो है सेटिंग करके चाहे जैसे भी करके 50-55% अगर मिलान हो जा रहा है तो उसको ओके भाई हाथ में पता है यार। तो इसके बारे में भी हम लोग पत्राचार करें। सर, इस गैंग में कितने लोग शामिल थे? इस गैंग में मुख्यतः 4 लोग हैं जो बाहर हैं, एक फोटोग्राफर, 5 बाकी तो ये कैंडिडेट इसमें जो पकड़े गए हैं ये कैंडिडेट्स लाने का काम कर रहे थे, इस समय लोगों को बुला करके ले आ रहे थे कि तुम्हारा हम काम करवा देंगे, कुल मिलाकर के 8-10 का गैंग है। पुलिस ने घेराबंदी कर तभी एक युवक ने आवाज लगा दी, आवाज सुनते ही युवक भागने लगे। पुलिस ने 4 युवकों को मौके से पकड़ लिया जबकि बाकी भागने में सफल हो गए। 7 न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।